सो वेलकम टू अनअकैडमी। सो आज यू डूइंग गाइस, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन सीआईएल के लिए अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज डे नंबर 8 फॉर द सीआईएल प्रिपरेशन। आज करंट अफेयर का लास्ट डे है दोस्तों, ठीक है। तो आज मैं करंट अफेयर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं बहुत सारे कि सर काइंडली अब टेक्निकल पे फोकस करिए, करंट अफेयर तो इधर उधर से भी देख ले रहे हैं। तो एज पर योर रिक्वेस्ट, जैसा आप लोग बोलते हैं दोस्तों वैसा मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 8 फॉर द करंट अफेयर्स फॉर द सीआईएल एग्जाम ऑल्सो। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देख सकते हो गेट के कई सारे सब्सक्रिप्शन के बारे में स्लाइड चल रही है, तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नाउ कितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं अभी, ओके 5 पीपल्स आर देयर, ओके। नाउ आपको करना क्या है, मान लीजिए आप अगर अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। एज यू कैन सी लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, आप स्लाइड पे देख सकते हैं, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या नॉन टेक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर गेट और ESE के लिए फिलहाल पढ़ा रहे हैं, तो आप गेट के या ESE के सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी सब्सक्रिप्शन को आप यहाँ से ले सकते हैं सी केयरफुली। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि गेट 2021 की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं आप, तो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने से पहले दोस्तों, आप अगर इस कोड को डालते हैं GPS लाइव, तो आपको उस सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है? 10% का डिस्काउंट, ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक। बाकी जो बच्चे नहीं जानते हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जान लें कि ये एक रेफरल कोड है। आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेंगे तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब जो टोटल फी है वो 25,000 है 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की, लेकिन आपको पे कितने करने हैं 22,500, मतलब आपको 2,500 रुपये कम हो जाएंगे। सिमिलरली 2 साल की जो टोटल फी है वो 40,000 है, बट आपको पे करने 36,000, ठीक है। और ये पर मंथ आपको पड़ेगी मात्र 1500 रुपये, और ये पर मंथ पड़ेगी 1875 रुपये, ठीक। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फायदा यहाँ उठा सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, अनअकैडमी इंडिया का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, माइंडेड प्लीज, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोग, मैंने आपको स्लाइड्स बताई थी, तो ऑलरेडी हम लोग 40 क्वेश्चन तक यहाँ पे डील कर चुके थे, ठीक है। आज मैं आपको नेक्स्ट आगे का पार्ट यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक बेटा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने सफिशियंट है फिलहाल। देखिए करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आएंगे पहले समझो, 3-4-5 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर आता कितने कितने टाइम तक का है बेटा? करंट अफेयर आता है मात्र 3 previous 3 months का। तो मैंने दिसंबर जनवरी को यहाँ पर कंसीडर किया है, फेब का करंट अफेयर आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दिसंबर का और जनवरी का करंट अफेयर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, आप फेब का करंट अफेयर खुद से पढ़ लीजिएगा, जो रिसेंटली अभी फरवरी के जो करंट अफेयर्स हैं, उतना आप एक्स्ट्रा कर लेना युवराज निज में निमजे, ठीक है युवराज। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लास्ट टर्न में 40 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, आज नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे फटाफट से। स्टैचू ऑफ यूनिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8 वंडर ऑफ SCO लिस्ट, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? देखिए क्या क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए इसका 41 का। सरसवाल अकेडमी, बेटा आपका करंट अफेयर तो अच्छा है, जैसा पिछले 3-4 वीडियोस में मैंने देखा है। सौरभ खराते सिंह गुजरात, यस इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात, ठीक है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है दैट इज इन गुजरात। चलिए तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हाँ बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है श्रेयस अकेडमी, उसके बाद आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे बेटा आंसर भी और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। आप इस एक्सप्लेनेशन को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। चलो आगे मूव करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। विच टू कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज सहयोग कैजिन?
विच टू कंट्रीज, नो नीड टू सॉरी सिरसवल अकेडमी, डोंट वरी बेटा गलतियां होती हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 42, विच टू कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज सहयोग कैजिन, यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, रशिया एंड इंडिया, जापान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश एंड इंडिया। के श्रेयस अकेडमी सेइंग टू, योगेश गैरिया थ्री, युवराज निजमे टू, सिरसवाल अकेडमी, रशिया एंड इंडिया। डावर रवि सेइंग सी, सौरभ कराटे सेइंग टू। ओके दोस्त, इसका जो आंसर है दैट इज थ्री, जापान एंड इंडिया। ठीक है, जापान एंड इंडिया में ज्वाइंट विच टू कंट्रीज, दो कंट्रीज जापान एंड इंडिया जो पार्टिसिपेट करेंगी एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज सहयोग कैजिन में। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। ठीक, ध्रुव श्रीवास्तव सेइंग थ्री, यस योर राइट आंसर इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड अ स्पेशल क्लास डीजल FHSSDIN512, हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल कन्फॉर्मिंग टू नाटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेट फॉर यूज इन शिप्स एंड वेसल फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, ये बहुत अभी चला था कुछ समय पहले ये वाला जो टॉपिक है। ठीक है, और अगर आप BPCL IOCL इंडियन ऑयल में जाना चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, सौरभ खराते सिंह टू, ध्रुव श्रीवास्तव सिंह थ्री, डाबरा रवि सिंह बी, योगेश गैरिया सिंह फोर। ओके, मिले जुले आंसर इसके आ रहे हैं। ओके द आंसर इज थ्री, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बनाया था बेटा ये। ठीक है, IOCL ने। ठीक, तो 43 का जो आंसर है दैट इज थ्री, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। चलिए, अंडर विच स्कीम फाइनेंस सपोर्ट ऑफ ₹15 लाख विल बी प्रोवाइडेड फॉर वन टाइम ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज एज पर द नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन रेयर डिसीज। वेरी नाइस क्वेश्चन युवराज निजमे। बेटा मैंने कई बच्चों को PDF भेजा है उस दिन, परसों तरसों जो भी मेरी क्लास चली थी, शायद परसों, आपको नहीं मिला क्या? के प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम या श्रमेव आरोग्य निधि योजना। ओके, मिले जुले आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये थोड़े टफ क्वेश्चन मैंने रखे हैं इस बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं CIL के एग्जाम में ताकि जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दैट इज थ्री, राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम। क्या नाम है? राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम। ठीक, एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है फॉर द क्वेश्चन नंबर 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 11 मेंबर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी? डॉक्टर मिहिर शाह, शशि शेखर, रमेश चंद्र पंडा, तुषार शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। योगेश गैरिया सिंह वन। ओके, सौरभ खतरे सेइंग वन। ओके, श्रेयस अकेडमी सेइंग वन। ओके वेरी गुड। ओके फ्रेंड, इसका जो आंसर है दैट इज अ डॉक्टर मिहिर शाह। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 45 का जो आंसर है दैट इज अ मिहिर शाह, इनको चेयरमैन बनाया गया है फॉर द नेशनल वाटर कमीशन पॉलिसी के लिए। ठीक, जो 11 मेंबर की कमेटी को
ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। इसका जो आंसर है वो ये रहा और एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है फॉर द क्वेश्चन नंबर 45। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड मिखेल विलादरिमो मिस, मतलब ये थोड़ी सी लैंग्वेज दूसरे उसकी है, माइंड इट प्लीज। तो इसको सौरभ कराते सेइंग सर इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल पोर्शन भी डिस्कस होता है क्या यहाँ? यस होता है बेटा, बट मैं बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच को डील करता हूँ, मैकेनिकल सिविल को। ठीक है, देखिए दोस्तों ये नाम है और ये नाम थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं इंडियन नाम तो है नहीं, तो इसको आप अपने हिसाब से पढ़िए आपको क्या प्रोनाउंस करना है। मिखेल व्लादिमिरोविच मुशुस्टिन प्राइम मिनिस्टर ऑन जनवरी 16, 2020। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन ये जो नाम है ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर चयनित हुए हैं बताइए फटाफट से। ध्रुव श्रीवास्तव सिंह टू श्रेयास अकेडमी सिंह जापान, ओके ध्रुव श्रीवास्तव सिंह रशिया। बेटा आज योगेश गैरिया लास्ट है ये करंट अफेयर, कल से टेक्निकल पार्ट ही कराऊंगा, डोंट वरी। कल से टेक्निकल फ्लूड थर्मल एचएमटी क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ बेटा पक्का। ठीक है, आज बस ये लास्ट है, कल से हम टेक्निकल पे ही फोकस करेंगे। तो बताइए बेटा व्हाट इज द आंसर फॉर द 46 क्वेश्चन? तीन लग रहा है, टू होगा जापान वगैरह वगैरह। दोस्तों इसका जो आंसर है दैट इज द आंसर टू रशिया। ठीक है, क्या आंसर है? रशिया, रशिया के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, मिखेल व्लादिमिरोविच मिशुस्टिन। ठीक है, तो उसको प्लीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्लीज। तो ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 46। आगे मूव करते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। इसका बताइए, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु वाज अवार्डेड एज द ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16th एडिशन ऑफ आईसीसी अवार्ड 2019। किसको अवार्ड मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का? ये तो पता ही होना चाहिए आपको, 47 क्वेश्चन का आंसर। विराट कोहली, ओके, और कोई? नरेंद्र सिंह रजावत सिंह टू रोहित गुरुनाथ शर्मा, ओके ध्रुव श्रीवास्तव सिंह टू रितेश झा सिंह टू, गुड गुड गुड, रितेश झा सिंह रोहित शर्मा, ओके फ्रेंड्स इसका जो आंसर है बिल्कुल ठीक, दैट इज आर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो 47 का जो आंसर है दैट इज अ टू रोहित शर्मा। ठीक, तो दिस इज द आंसर फॉर द एक्सप्लेनेशन फॉर द 47th क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हु हैड द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी दैट प्रॉब द 1984 एंटी सिख रायट केस, जो सिख दंगे हुए थे उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कौन सी है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड कौन करेगा? हु विल हेड द एस आई टी दैट प्रोब द 1984 एंटी सिख रायट केसेस? आंसर करिए प्लीज। गोलोक बिहारी मेहता सिंह थ्री अमित सिंह सिंह थ्री, गुड गुड गुड, और योगेश गैरिया सिंह थ्री। यस इट इज द राइट आंसर, एस एन डिंगरा। एस एन डिंगरा विल लीड द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ठीक है, रितेश दा बिल्कुल ठीक है आपका आंसर भी। तो हियर द आंसर इज थ्री, एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है फॉर द क्वेश्चन नंबर 48। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच एयरफोर्स स्टेशन इंडियाज फर्स्ट सुखोई 30 फाइटर स्क्वाडन विल बी इंडक्टेड?
रमन कुमार, हेलो बेटा हेलो। 49th का आंसर बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच एयरफोर्स स्टेशन इंडिया फर्स्ट सुखोई 34 फाइटर स्क्वाड्रन विल बी इंडक्टेड? रितेश जा, नो आइडिया। योगेश गैरिया फोर्थ, मुदित डायमा से फोर्थ, ओके मुदित डायमा सिंह फोर, बजरंगी कुमार सिंह फोर, ओके। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दैट इज द फोर्थ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। मुदित डायमा, बरंजीत कुमार, बजरंगी कुमार, यू ऑल आर राइट, दैट इज आंसर इज तंजावुर इन तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका आंसर है तंजावुर इन तमिलनाडु, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 49th। एंड यार दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 49th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेम द इंडियन टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट वॉज लॉन्च फ्रॉम द गुयाना स्पेस सेंटर, फ्रेंच गुयाना, साउथ अमेरिका, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी टेलीविजन, टेली कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। ये थोड़ा सा एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए चलिए आप लोग। जी सेट, योगेश गैरिया, प्रीवियस 6 मंथ के क्वेश्चन आते हैं दोस्त, ठीक है, 3 to 6 मंथ के क्वेश्चन आते हैं, माइंड इट प्लीज। है ना, तो प्रीवियस 6 मंथ के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अभी आपको कितना पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको कवर किया है जनवरी एंड दिसंबर, फरवरी का भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, बाकी का बस मैं बोलूँगा नवंबर तक और पढ़ लो, इससे ज़्यादा बेटा सीआईएल नहीं पूछेगा। ठीक, तो बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ द 50 क्वेश्चन। जी सेट 30, जी सेट 30, जी सेट 32, ओके। ध्रुव श्रीवास्तव कह रहे हैं ऑप्शन 1, कविता कुमारी सही ऑप्शन 1, मीनू पाल सही ऑप्शन, जी सेट 30। यस इट इज द राइट आंसर, जी सेट 30, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, जी सेट 30 इसका राइट आंसर है। एंड हियर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 51। नेम द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश दैट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट विलेज एज अ पार्ट ऑफ आदर्श खेल ग्राम प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IIT गाजियाबाद, यूपी, अलोंग विद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ। ओके फ्रेंड्स, देर वॉज पावर कट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द 51th क्वेश्चन। आंसर ऑफ द 51th क्वेश्चन, कविता कुमारी सिंह 4 4 4 4 4। नवंबर लास्ट है क्या सर? योगेश गरिया, नवंबर तक का ही पढ़ लो दोस्त, बहुत है, मतलब पिछले 4 महीने का पढ़ लोगे काफी है, 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो हेयर द आंसर ऑफ द 51th क्वेश्चन इज फोर्थ, बहादुरपुर एंड खेरी विराम, ये दो गांव है जहाँ पे ये स्कीम लगाई गई थी। ठीक है, चलिए, काफी बच्चे जो यूपी यूपी के होंगे शायद उनको ये आंसर पता होगा। चलिए आगे मूव करते हैं, दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 51। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, आई थिंक इसमें से गायब हो गया है या मिस्टेक हो गई है टाइपिंग, कोई नहीं, 53 का आंसर बताइए। व्हाट इज द आंसर ऑफ द 53, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 10th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020? यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 10th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020?
थीम वन इज सेइंग रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर वेलकमिंग डिसरप्शन ड्राइविंग द ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूइंग एनर्जी स्टोरेज फॉर ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। बताइए व्हाट वाज द थीम। ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है। तो हेयर रितेश झा सेइंग वन रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ओके हु एल्स। चलिए इसका जो आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर है वन। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 53। ठीक, तो उसको याद कर लीजिएगा। यस, काफी बच्चे वन आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द लार्जेस्ट एयरबोन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन द नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर रिसेंटली। लार्जेस्ट एयरबोन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने कौन सी एयरबोन एक्सरसाइज की थी? कविता कुमारी सेइंग टू। ओके अभिषेक रंजन इज सेइंग वन। SS सेइंग वन। ओके दोस्तों इसका आंसर है टू। ठीक है, कविता कुमारी का करंट अफेयर अच्छा है। चलिए तो हेयर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, तो 54 का आंसर है टू। यस अभिषेक रंजन, गुड, आपका भी आंसर सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 55। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कविता कुमारी सेइंग वन। ओके अभिषेक रंजन सेइंग टू। SS सेइंग वन। दीपांशु अग्रवाल सेइंग वन। गुड, द राइट आंसर इज वन। यस सतेंद्र कुमार सैनी। यस ये काफी सुर्खियों में रहे हैं कुछ दिन पहले। ठीक है, तो सतेंद्र कुमार सैनी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, द आंसर इज वन, सतेंद्र कुमार सैनी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। What was the theme of the 28th edition of the New Delhi World Book Fair 2020? Yes, important question again. What is the answer of this question? 56. Abhishek Ranjan saying 2. Okay. Who else? Okay, Ritesh Jha saying two. Gandhi the writer's writer. Okay. Kavita Kumari, what's your answer for this question? Ritesh Jha saying two. Okay, good beta. Dhruv Srivastava, where are you? What is the answer of this question? Okay, good. Yes, two is the right answer. Most of the people are saying two. Yes, the theme was Gandhi, the writer's writer. ठीक है, yes, सबका आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया, good. And then here, this is the explanation for question number 56. ठीक है, now question number 57 की तरफ मूव करते हैं। What is the rank of the India as per the World Economic Forum reports? ठीक है, the Global Social Mobility Report, Equality Opportunity। ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले भी शायद करवाया था। ठीक है, बताइए इसका आंसर।
पीडीएफ मैंने कई बच्चों को भेज दी है। मैंने बोला था कि मुझे आप पर्सनली मैसेज करिए, कई सारे बच्चों को पीडीएफ में दे चुका हूँ ऑलरेडी। आप मुझे एफबी पे मैसेज करिए, गौरव बाबू सर्च मार के, देन आई विल गिव यू देयर। काफ़ी सारे बच्चे 76 बोल रहे हैं, इट इज़ द राइट आंसर ऑल्सो। ठीक है, 76 दिस वॉज द रैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड हियर द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 57। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विच इंडियन सिटी इज कनेक्टेड विद विराट नगर ऑफ नेपाल थ्रू सेकेंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इनॉगर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद द पीएम ऑफ द नेपाल श्री खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली। बताइए। बिहार का कौन सा शहर है जो डायरेक्टली नेपाल से कनेक्ट हुआ है एंड द सेकंड इंटीग्रल चेक पोस्ट। बिहार के लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, रितेश जा सिंह 3 SS सिंह 3। ओके, मतलब जोग बनी। यस, जोग बनी है बिहार में। अभिषेक रंजन सिंह बिल्कुल ठीक। यस, इसका आंसर है यस, जोग बनी। ठीक है, दैट इज इन बिहार। तो 58 का आंसर है 3, जोग बनी। एंड हियर दिस द एक्सप्लेनेशन फॉर द आंसर 58। इट वॉज द 58th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी। व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2019 एज पर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिवाइज फ्रॉम 6.1 ऑन जनवरी 20 2020। 20 जनवरी को रिवाइज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था इंडिया का एज पर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। देखिए, जीडीपी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। अब ये क्वेश्चन है एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के थ्रू क्या आंसर है। अभिषेक रंजन सिंह 4.8। ओके, ध्रुव श्रीवास्तव सिंह 1। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है 4.8। यस, मैनी ऑफ यू आर राइट। यस, दिस इज द आंसर 1। तो आंसर ऑफ द 59th क्वेश्चन इज 4.8। तो एज पर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया वॉज 4.8%। ठीक है, कभी तक हमारी सिंह 1 बिल्कुल ठीक। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 59। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60। हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ऑन जनवरी 20 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी बताइए इसका आंसर। वन ऑफ द गाइज आस्किंग कि कितना परसेंटेज है इसके आने का। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 5 6 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के आएंगे, तो पूरी पूरी संभावना इनके फंसने की। इसलिए इन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतने क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रदीप दर्श, यस, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग सी एस सी टी। तो बेटा आप लोग गलत नहीं है। यस, दिस इज द राइट आंसर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2, सल्ला श्रीनिवासलु सेट्टी। यस, CS सेट्टी इनका शॉर्ट में नाम है, जिनको भी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया फॉर 3 ईयर्स। चलिए, एंड दिस द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 60। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन जनवरी 20 2020। इसका आंसर बताइए। अभी क्वेश्चन SBI के ऊपर था, आप क्वेश्चन है BOB के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर।
एस एस इज सेइंग फाइव संजीव चंद्रा ओके सोनू कुमार सिंह टू रितेजा सिंह टू नो डियर फ्रेंड यू ऑल पीपल यू आर रॉन्ग पीयूष कुमार बेटा पढ़ लो इनको बस इससे बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि खुद ही सोचो सीआईएल का जो पेपर है पेपर वन उसमें चार पार्ट है इंग्लिश है रीजनिंग है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और जीएस है जीएस में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पता नहीं क्या क्या है। अब उसमें करंट अफेयर कितना आएगा तीन चार पांच क्वेश्चन तो ये पूरा महीने भर के तीन चार महीने करंट अफेयर में करा रहा हूँ आपको मैं मतलब 2 महीने करा रहा हूँ बाकी एक दो आप इधर उधर देख लेना ठीक है। तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन। यस मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग फाइव संजीव चंद्रा एंड इट इज द राइट आंसर। यस एग्जैक्टली इट इज राइट संजीव चंद्रा इज द आंसर ऑफ द 61th क्वेश्चन एंड हियर दिस इज द एक्सप्लेनेशन ठीक है उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 62। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट इंप्लीमेंटेड एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी रिसेंटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस स्टेट ने अभी इंप्लीमेंट किया एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी को। एस एस इज सेइंग टू ओके रितेश दास सेइंग थ्री आसाम ओके अभिषेक रंजन सिंह उत्तराखंड पीयूष कुमार सिंह वन ओके दोस्तों आई वुड लाइक टू टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू उत्तराखंड। उत्तराखंड ने रिसेंटली इस पॉलिसी को लागू किया था ठीक है। एंड हियर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 62। चलिए नेक्स्ट हु विल चेयर द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिलिंग दैट विल प्रोवाइड मेजर्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर न्यू इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। हु विल चेयर द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिलिंग दैट विल प्रोवाइड मेजर्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर न्यू इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया। बिट्टू कुमार सिंह थ्री दूसरा अस्तक सिंह थ्री एस एस सिंह वन दोस्तों आई लाइक टू टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 63 का जो आंसर है दैट इज थ्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी इसको लीड करेंगे। ध्रुव श्रीवास्तव का आंसर इज राइट। योगिता अग्रवाल असवाल योर आंसर इज ऑल्सो राइट एंड हियर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 63 ठीक है। तो पीयूष गोयल जी इसको लीड करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर सर्विस एनिमल्स सच एज डॉग्स हॉर्स मल्स एक्सेट्रा बताइए म्यूल्स एक्सेट्रा। सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर इसका आंसर करिए। कविता कुमारी सिंह फाइव बिट्टू कुमार सिंह फाइव ओके एस एस सिंह फाइव यू पीपल आर रियली लर्निंग आई थिंक जी एस एंड द करेंट अफेयर। यस राइट आंसर इज द फिफ्थ मेरठ। मेरठ में दोस्तों ये बनेगा ठीक है और रिसेंटली ये भी आया था बाकी इसका एक्सप्लेनेशन ये था दोस्तों फॉर द क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 का एक्सप्लेनेशन इज हेयर आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वेयर डिज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर श्री सुब्रमण्यम जयशंकर इनॉग्रेट द फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर इन अफ्रीका महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर। यस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहाँ रिसेंटली इनॉग्रेट किया है महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर को, रवांडा, माली, नाइजीरिया, बेनिन, नाइजर, नॉट नाइजीरिया, नाइजर। रितेश झा सिंह, नो आइडिया। ओके, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इंटरनेशनल करंट अफेयर का एक तरह से इसका जो आंसर है दैट इज़ अ नाइजर। नाइजर में उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। यस एंड हियर दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66। नेम द फर्स्ट इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर दैट हैज रिसेंटली लॉन्च यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट। यस, यूपीआई की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपी यूपीआई पेमेंट स्पेस को किसने रिसेंटली लॉन्च किया है? नेम द फर्स्ट इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर दैट हैज रिसेंटली लॉन्च यूपीआई पेमेंट स्पेस। 66 क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। टाटा टेलीकॉम, इंडिया सेलुलर, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया। रोट राकेश मोन्टी सिंह, थ्री अमुलेटी सिंह, संगीत सिंह, फोर सोनू कुमार सिंह, थ्री। ओके, हु एल्स? उपासना सिंह, थर्टी सिंह, थ्री थ्री थ्री। ओके दोस्तों, आई वुड लाइक टू टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने इसको स्टार्ट किया था कुछ समय पहले। ठीक है, तो आंसर फॉर द 66th क्वेश्चन इज फोर्थ, रिलायंस जियो। एंड हियर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 66। और लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है, बाद में आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो आप इसको पॉज करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 67। नेम द फर्स्ट वीमेन एंड 13th प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस हु वॉज इलेक्टेड ऑन जनवरी 22, 2020। अभिषेक रंजन सिंह, मुदित डायमा। बेटा मैंने बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ भेजा था परसों परसों, प्लीज़ मुझे आप एफबी पे मैसेज करिए। ठीक है, एफबी मैसेंजर पर गौरव बाबू नाम से मुझे सर्च करिए और वहाँ मुझे मैसेज करिए पर्सनली, देन आई विल सेंड यू पीडीएफ। काफ़ी बच्चों को दिया है मैंने, ठीक है, एफबी पे मैसेंजर पर मैसेज करिए मुझे। ठीक है मुदित डायमा। ओके, व्हाट इज द आंसर? मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग 3334। सर कर देना मैसेज, आपको रिप्लाई नहीं आया। ओके बेटा, अभी मैं चेक कर लूँगा क्योंकि मैंने कल से खोल के नहीं देखा, मैं अभी भेज दूंगा। जैसे ही इस वीडियो को खत्म करूंगा फ़ौरन भेज दूंगा पक्का। ठीक है, जिन जिन बच्चों को नहीं मिला है, चलिए 67 का आंसर दैट इज अ थ्री कर दूंगा बेटा, कर दूंगा। एंड हियर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द 67th क्वेश्चन। ठीक है, 67 क्वेश्चन का आंसर है ये। ओके 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 दोस्त, पक्का पक्का, उदय दायम अभी भेजता हूँ, पक्का कंफर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 68 क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 12th एडिशन फॉर डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2019, आ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट। कौन सी पोजिशन इंडिया की? ऑलवेज वेलकम मुदित। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 12th एडिशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2019, अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट। सोनू कुमार सिंह, थ्री यानी कि 49। ओके, और बताइए। रितेश दा, टू अभिषेक रंजन, टू वेनु माघव, टू कविता गर्ग। बिल्कुल ठीक, यस यू पीपल आर राइट, द आंसर इज टू। एंड हेयर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 68। चलिए नेक्स्ट प्लीज।
नेम द इंडियन सिटी हु वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2020। ये तो पता ही होगा आपको। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेम द इंडियन सिटी दैट हॉज द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। दीपक कुमार गुवाहाटी, ध्रुव श्रीवास्तव फाइव गुवाहाटी गुवाहाटी गुवाहाटी। ओके यार, सबको पता है ये तो। इसका जो आंसर है दैट इज द गुवाहाटी। रिसेंटली प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे गए थे इसका इनॉग्रेशन करने। तो चलिए सर, हियर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 69। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 70। वेयर डिड ईस्ट कोस्ट रेलवे कमीशन इंडियन रेलवे फर्स्ट एंड इंडियाज फोर्थ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। वेयर डिड इंडियन कोस्ट रेलवेज कमीशन इंडियन रेलवेज फर्स्ट एंड द फोर्थ फर्स्ट एंड इंडियाज फोर्थ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। देखिए थोड़ा सा दिमाग रखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे अगर आप जाने हैं, ठीक है, तो जो ईस्ट कोस्ट है हमारे पूर्वी तटीय घाट है वहां पे जो रेल चलती है दैट इज द ईस्ट कोस्ट रेलवे। अब मुंबई तो वेस्ट में जाता है तो ये नहीं हो सकता। वाराणसी यूपी में आ गया, ये भी नहीं हो सकता। न्यू दिल्ली नॉर्थ में है, पता ही है हमको। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में चला गया तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ईस्ट कोस्ट रेलवे का कौन सा ऑप्शन बचता है? फोर्थ भुवनेश्वर। तो वट इज द आंसर? भुवनेश्वर। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 70, दैट इज फोर्थ। 70 क्वेश्चन का आंसर है दैट इज फोर्थ, ठीक, भुवनेश्वर। एंड हेयर दिस इज द एक्सप्लेनेशन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन विच सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर सर्विस एनिमल सच एज डॉग्स। ये अभी कराया था थोड़ी देर पहले, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, अभी कराया था थोड़ी देर पहले। तो उसका आंसर कितना अभी पड़ा है? मेरठ। ठीक है फाइन, तो इसको आप छोड़ दो अभी थोड़ी देर पहले। इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉलेंटरी इन्वेस्टमेंट लिमिट दैट कैन इन्वेस्ट बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थ्रू द वॉलेंटरी रिटेंशन रूट। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मान लो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट। बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ द 72 क्वेश्चन। ये भी आपको शायद पता हो, अगर आपने थोड़ा सा अगर आपको करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो ये आंसर आपको पता होगा। बिट्टू कुमार सिंह फोर। ओके सोनू कुमार सिंह फोर, वेरी गुड। यस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो 72 का आंसर है फोर एंड हियर दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, फॉर द क्वेश्चन नंबर 72। चलिए आगे मूव करते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टीलिंगुअल वॉइस इनेबल्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ऑल इन वन, यूजिंग विच यूजर कैन कम्युनिकेट विद द चैट बॉक आस्क लक्ष्मी फॉर देयर जनरल बैंकिंग क्वेरीज। ये भी काफी अभी प्रचलित था ये क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। ओके मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग 444। सॉरी फ्रेंड्स, यू पीपल आर रॉन्ग। द आंसर इज द सिटी यूनियन बैंक, आंसर इज टू एंड हेयर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 73। तो हेयर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 73। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हु वॉज अपॉइंटेड एज द पैनल मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑन जनवरी 24, 2020। हु वॉज अपॉइंटेड
लास्ट क्वेश्चन का आंसर ध्रुव श्रीवास्तव ने 2 बताया। ओके चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए 74 का। हु वाज अपॉइंटेड एज अ पैनल मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑन जनवरी 24, 2020। एनिलू मजूमदार। ओके, काफी लोग बोल रहे हैं 2, 2, 2। इसके अलावा दोस्तों इसका आंसर है एडीएम चावली। ठीक है, तो एंड हियर दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, बेटा आपने गेट की तैयारी करी है जागृति पनवर? अगर करी है तो सफिशियंट है आपके लिए केवल टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे सर। ओनली टेस्ट सीरीज करेंगे, नॉन टेक पार्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट सीरीज देखिए, ये जो करंट अफेयर है इसकी तो हो जाएगी नो डाउट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट में नहीं आएगा। क्योंकि करंट अफेयर का मतलब क्या, 3 महीने का 4 महीने का करंट अफेयर पढ़ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा। बट टेक्निकल बाकी का अदर पार्ट है जीएस वगैरह, उसके लिए आपको नो डाउट थोड़ी सी नॉलेज होना आवश्यक है। ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें आपको मेन मेन टॉपिक जरूर पढ़ने हैं। ठीक, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करिए। हु विल चेयर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैंडल द डिस्पोजेबल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी टू रेज मनी फ्रॉम देम? आईएएस के बेटा बिल्कुल टेक्निकल के लिए 1 नंबर के क्वेश्चन लगा डालो सारे, बस ऑब्जेक्टिव लगाएंगे लेकिन, है ना, बाकी और कुछ नहीं लगाएंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं केवल एमसीक्यू ही लगाने हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं लगाने हैं। यस बेटा, फिलहाल कोल इंडिया के लिए देखो, वैसे 3 से 6 महीने का हमें पढ़ना होता है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ 4 महीने का एटलीस्ट पढ़ लो। ठीक है, मयंक संध्या इज सेइंग सर अमित शाह जी, यस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमित शाह। अमित शाह जी इस मेंबर ऑफ को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें जो एनिमी की प्रॉपर्टी होगी उसको हम बेच के फंड को रेज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एंड हियर द आंसर ऑफ द 75 क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द 75 क्वेश्चन 9। नाउ 76 क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019? व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019? बेटा अभी सुजीत कुमार अभी करता हूँ, मैंने उस दिन बच्चों को किए हैं, काफी बच्चों को सेंड किए हैं, अभी आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, अभी भेज दूंगा बेटा, है ना। आफ्टर दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली सेंड। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ द 76th क्वेश्चन, क्या रैंक है इंडिया की ट्रांसपेरेंसी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 के तहत? दैट इज मैं बता दूं 80 रैंक है। क्या रैंक है? 80। तो 76 का आंसर क्या है? 3। एंड हेयर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 76। एक्सप्लेनेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, नेम द इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट दैट इज सेट फॉर एन अनमैन्ड ट्रिप इनटू स्पेस बिफोर एस्ट्रोनॉट। विकास मित्रा, वाया मित्रा, दक्ष मित्रा, व्योम मित्रा, सूर्य मित्रा। ध्रुव श्रीवास्तव, व्योम मित्रा, अभिषेक रंजन 4। ओके 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 ओके, बहुत सारे लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। द आंसर ऑफ द 77 क्वेश्चन इज 4, व्योम मित्रा, बिल्कुल ठीक है, अभी रिसेंटली बेटा लॉन्च हुआ था। ठीक है, सो हेयर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 77, व्योम मित्रा इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, विच कंट्री विल ट्रेन द इंडियन फाइट सर्जन फॉर गगनयान मिशन? विच कंट्री विल ट्रेन द इंडियन फ्लाइट सर्जन फॉर गगनयान मिशन? ठीक है,
कौन सी कंट्री इंडियन फ्लाइट सर्जन्स को ट्रेन करेगी गगनयान मिशन के लिए? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड और द यूनाइटेड किंगडम। अभिषेक रंजन सिंह फ्रांस। ओके, हु एल्स? बिट्टू कुमार सिंह। फोर, राकेश मोहंती। मैसेज करिए, अभी भेजता हूँ बेटा, परसों मैंने कई बच्चों को भेजे हैं तो मैं भी भेज दूंगा आज, डोंट वरी। ओके, मिले जुले आंसर आ रहे हैं, कोई चार बोल रहा है, कोई दो, कोई तीन। दोस्तों इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस, टू। ठीक है, एंड यार दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 78। थैंक संध्या सर फिर फ्रांस सर, बिल्कुल ठीक है, फ्रांस इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 79। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इनॉगर्ड? बताइए, इनॉगरेटेड। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इनॉगरेटेड? भोपाल, न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई, वाराणसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिषेक रंजन सिंह भोपाल। ओके, बिट्टू कुमार सिंह वन, अप्पू कुमार सिंह टेक सिंह टू। ओके, हु एल्स? कविता कुमारी सिंह वन, रितेश झा सिंह वन, भोपाल, योगिता अग्रवाल सिंह, असवाली सिंह वन। ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वन, भोपाल। भोपाल में रिसेंटली ई वेस्ट क्लिनिक का शुभारंभ हुआ था। एंड हेयर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 79। यस यस, श्लोक गौतम, मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइट, द आंसर इज भोपाल। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया फॉर द ईयर 2020? हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया फॉर द ईयर 2020? रितेश दास सिंह फाइव, सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा गुड, राकेश मोहंती सिंह फाइव, बिट्टू कुमार सिंह फाइव, चलिए दोस्तों आई वुड लाइक टू टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइव, सुनील अरोड़ा, एंड यू पीपल आर राइट। एंड यार दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है फ्रेंड्स, तो यस आज के लिए भी इतने ही क्वेश्चन मैं लेके आया था, 40 क्वेश्चन आर देयर, तो इतने क्वेश्चन फिलहाल पढ़िए आप लोग। बाकी आई विल सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा करेंट अफेयर फैब का देखेंगे और थोड़ा सा आप देखेंगे नवंबर का, इतना आप जरूर देखिए एटलीस्ट, क्योंकि प्रीवियस 3 से 6 महीने का करेंट अफेयर सफिशियंट होता है दोस्तों, इतना प्लीज आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे CIL के पेपर में, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी जिन लोगों को PDF चाहिए मुझे अभी आप WhatsApp पे मैसेज, सॉरी WhatsApp बोल रहा हूँ, FB पे मैसेज कर दीजिए, गौरव बाबू सर्च मार लीजिए, मेरी प्रोफाइल निकल के आ जाएगी, मेरा फोटो वोटो वहाँ लगा हुआ दिख जाएगा आपको, वहाँ मुझे मैसेंजर पे आप मैसेज कर दीजिए कि सर आई नीड PDF एंड आई विल डेफिनेटली सेंड। बस कुछ दिन से मैं थोड़ा देख नहीं पाया हूँ मैसेंजर, इसलिए नहीं कर पाया, बाकी मैंने परसों तरसों कुछ बच्चों को किया था। ठीक, तो गाइज थैंक यू सो मच, इतना फिलहाल पढ़िए, कल से अपने टेक्निकल पे वापस लौटेंगे, कल से टेक्निकल नहीं मैं संध्या, इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कुछ क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, मैंने बोला ना जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए ना, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखिए ये वैसे 79th वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भी है, तो ऐसे क्वेश्चन मयंक संध्या पूछे जाएंगे, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, माइंड इट प्लीज। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
ऑल द वेरी बेस्ट। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो अगर वो पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो मेरे पहले टेक्निकल वीडियोज़ देख लीजिए, उनको लगता है कि गौरव सर से पढ़ के कुछ अच्छा हो सकता है, तो यू कैन सब्सक्राइब। यस, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, बाकी बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जो बच्चे पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि आपको मेरे वीडियो और चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहें, लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा जो बच्चे सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मेरे इस कोड को डाल के फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाद में, लव यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट।